गांव के अंदर ना ही खरंजा ना ही गंदा पानी निकालने के लिए नाली की व्यवस्था, विकास के नाम पर केवल लीपापोती। बीमारी फैलने का गांव वासियों को बना खतरा। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के डिलारी ब्लॉक क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में ग्राम प्रधान ने विकास के नाम पर पिछले 4 सालों में केवल लीपापोती की है और विकास कराने के नाम पर पैसे को निकाल कर हड़प कर लिया है। आपको बताते चले, गाँव के अंदर कुछ मुख्य रास्ते ऐसे है जिस पर ना ही खरंजा है और ना ही उन रास्तों के साइड से गंदा पानी निकालने के लिए नाली की व्यवस्था है, जिसमें वह रास्ते बदहाली के आंसू रो रहे हैं। गाँव वासियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पक्का रोड न होने की वजह से और गंदे पानी निकलने की व्यवस्था के न चलते पक्की नाली होने के कारण इस गंदगी के संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा गाँव वासियों को रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी सफाई करने गाँव के अंदर नहीं आता, जिसमें सड़क का निर्माण न होने की वजह से जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते गाँव के लोगों को बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की गई, मगर ग्राम प्रधान इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आला अधिकारियों से मांग की है कि साफ सफाई की जाए और सड़क का निर्माण कराया जाए। गांव के अंदर कई मुख्य रास्ते ऐसे हैं जिनके हालात जर्जर हैं और कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत भी की गई है और अधिकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग की है ताकि वह रास्ता सुधर जाए। और अब कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी के चलते स्कूल खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है ताकि बच्चे उस रास्ते से होकर स्कूल पढ़ने जाएं। गाँव वासियों का ये भी कहना है कि गांव के अंदर जो नाली नहीं बनी है और नालियों में मच्छरों की पैदावार हो रही है और गांव में डेंगू की बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसमें जल्द से जल्द गांव के अंदर विकास कार्य शुरू होना चाहिए और जो पानी नाली में ठहर रहा है उस पानी की व्यवस्था ग्राम प्रधान द्वारा की जाए। मोहब्बत लिए मोहम्मद भाई, रास्ते किस तरह के हैं गांव में और कैसे हालात हैं गांव के? बहुत ही गलत हालात है यहां पर। रास्ते में जो है निकलने वरने में बहुत परेशानी होती है, बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इस समय। अच्छा, नाली उलियों में के जो मच्छर पैदा हो रहे हैं उसके लिए कोई प्रधान ने छिड़काव कराया है? कुछ नहीं कराया है यहाँ पर, बस बीमारी जो है गंदगी सी होती है यहाँ पर, ना सफाई है ना कुछ है, ना नालियों में ना किस चीज़ में। शिकायत की थी आपने रास्ता बनवाने की, नालियां बनवाने की किसी से? कई बार शिकायत की थी, प्रधान से भी की थी। अच्छा, हाँ, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है किसी तरह की भी। अच्छा, अब क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम यही मांग करना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये रास्ता है ये सही हो जाए और हमारे जो नाली हैं और जो गंदगी वगैरह है ये सब साफ होनी चाहिए। कितने रास्ते खराब हैं, कितनी नालियाँ बननी पड़ी हैं? ऐसा मान लो रास्ते तो कई सारे खराब हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं करता। जाते हैं प्रधान के पास, किस कर्मचारी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई आज नहीं कल नहीं परसों, वही ऐसी जो है टाल देते हैं। ग्राम प्रधान का नाम क्या है? इफ्राहिम, मोहम्मद इफ्राहिम। कितने साल से प्रधान? 5 साल से। कोई विकास नहीं कराया? कुछ विकास नहीं कराया। पैसा ऐसे ही निकालते हैं? पैसे सब ऐसे ही निकाल देते हैं, नहीं किसी तरह कोई सुनवाई नहीं करते। भाई, आपके गांव में रास्तों के हालात जर्जर हैं, कितनी बार आपने शिकायत की ग्राम प्रधान से और क्या मांग करना चाहेंगे रास्तों के बारे में? हमने ग्राम प्रधान से कम 5 बार मैंने खुद जाकर कही है उनके घर पे, उनके प्रधान जी दूसरे गांव के हैं प्रधान जी, ग्राम पंचायत हमारी बुलड़िया वहाँ पर और बाजीतपुर लगता है, तो हमने कई बार प्रधान जी से कही मगर प्रधान जी ने अनापी बार में करा देंगे, अगली बार में करा देंगे, 10 दिन में 15 दिन में कोई भी काम नहीं करा प्रधान जी ने। 5 साल पूरे होने जा रहे हैं मगर आज तक प्रधान जी ने इस रास्ते को मैंने कम से कम 5 बार कही है, इसमें कीचड़ भी रहता है, मच्छर भी, गंदगी भी है और वैसे भी एक महामारी बीमारी चल रही है कोरोना की, मच्छर काट लें बुखार आ जाए तो इस डर से बच्चे दवाई भी लेने नहीं जा सकते। अच्छा, कितने इस रास्ते पर हवेली पड़ती हैं और क्या मांग करना चाहेंगे मुरादाबाद प्रशासन से? हम यही मांग करना चाहेंगे कि हमारा ये प्राइमरी स्कूल से जो मेन रास्ता है उससे ये ठीक रास्ता हो जाए और हमें लगभग 12-13 घर हैं इस रास्ते पर, सबने दूसरे रास्ते पर अपना लिया है, एक दूसरे की हवेली में निकल कर रास्ता बना रहे हैं। अच्छा, नालियों के हालात भी जर्जर हैं, नाली भी नहीं बनवाई है, सफाई कर्मी कोई आते हैं? सफाई कर्मी नहीं आते हैं, वो 15 दिन में, महीने में जब उसका दिल करता है तब आता है, कोई उस पर कुछ नहीं है। ये जो रास्ता है आपने कितनी बार प्रधान से शिकायत की है, कब से शिकायत करते आ रहे हैं और कितने घर इस रास्ते से जुड़ते हैं? 10-12 घर जुड़ते हैं। प्रधान जी से कई मरतबा कहा है लेकिन इन्होंने जो है कोई इग्नोर कर दिया, जब भी हमने बोला जब भी जो है इग्नोर कर दिया कि चलो करा देंगे। अच्छा, किस तरीके से यहाँ से लोग गुजरते हैं? ये रास्ता पहले लोग इधर को गुजरते थे, जब ज़्यादा गाढ़ा होने लगा तो लोग वालों ने जिक्र करा एक दूसरे से, तो दूसरे रास्ते पर इन्होंने अपने गेट खोल ली। क्या चाहते हैं?
हम सोचते हैं ये रास्ता हमारा पुराना वाला बन जाए तो इधर ही रास्ता कर लें, हम अपना गेट खोल लें। अब कैसे हालात हैं? बहुत गंभीर हालात। बच्चे स्कूल खुल चुके हैं, गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी है जी। किस तरीके से बच्चे होकर गुजरेंगे इस रास्ते? अब ये तो आपको ही दिख रहा है कि बहुत परेशानी के साथ गुजरेंगे। आपने शिकायत की रास्ता बनवाने? एक रास्ता उधर है मजार से मेहंदीसा के घर तक, 200 मीटर का है और 100 मीटर का ही रास्ता है। इन दो जगह की शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कौन सा गांव है ये? ग्राम बाजितपुर। कौन इस गांव के प्रधान है या दूसरे गांव? दूसरे गांव के हैं, गुलड़िया माफी के। कितनी बार आपके यहाँ विकास कार्य करा चुके हैं, आते हैं देखने के लिए? देखने के लिए तो नहीं आए, लेकिन एक दो बार थोड़ा बहुत विकास कार्य करा दिया। अधिकारियों से कौन कौन शिकायत की? अधिकारियों से मुरादाबाद भी की थी और रास्ता पड़वाने की। ब्लॉक में तो कई मरतबा सेक्रेटरी साहब भी आए, लेकिन उन्होंने भी आपको मार्च में डलवा देंगे अप्रैल में, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की। अब क्या चाहते हो? अब तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रास्ता बन जाए, हम इस रास्ते से गुजरने लगे। अच्छा, इस गंदगी से मच्छरों की पैदावार भी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है, परेशान है। मच्छरदानी नहीं लगाए तो नींद नहीं आती, बच्चे भी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बीमारी तो बहुत है यहाँ। अच्छा, छिड़काव पुड़काव करवाते हैं प्रधान जी? कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं। किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर?